हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली 3, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स, None and more than one individuals will suffer a bad reaction. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है एक इंजेक्शन के बैड रिएक्शन की, जो कि 0.001 है, यानी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इसका कोई बैड रिएक्शन हो। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डेटा है वो 2000 इंडिविजुअल्स का है और एन जो है वो काफी बड़ी क्वांटिटी है, दैट मींस एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस यानी कि बैड रिएक्शन यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी 0.001 है, जो कि बहुत कम है, तो इसलिए जो पी है टेंड्स टू जीरो माना जा सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल एन इज 2000, फिर पी गिवन है जो कि 0.001 है। हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए मीन फाइंड आउट करना है और मीन होता है एन इंटू पी, तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2000 इंटू 0.001, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी एंड इट इज 2। अब हम जानते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस के लिए e रेस्ट टू माइनस m, m रेस्ट टू r अपॉन r फैक्टोरियल होता है, where r is probability of successes 0, 1, 2 and so on। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं probability of r successes is equal to e raised to minus 2 into 2 raised to power r upon r factorial, and r will vary from 0, 1 up to 2000। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, e रेस्ट टू माइनस 2 की वैल्यू 0.135 इंटू 2 रेस्ट टू r अपॉन r फैक्टोरियल। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 बैड रिएक्शंस, तो r इज इक्वल टू 3 ले लेंगे और इसमें हम r की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 0.135 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.18। तो ये एग्जैक्टली 3 होने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 इंडिविजुअल्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन 2। यहाँ पर आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स 2 को छोड़ देना है और आपको उससे आगे के नंबर्स का सम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5 अप टू 2000, तो इस केस में तो मैनुअली इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी कि अप टू 2000, इन सब का सम 1 आना चाहिए। अब यहाँ से हमें P3 से ऑनवर्ड्स जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको इसी साइड रहने देना है और बाकी को दूसरे साइड शिफ्ट कर लेना है। तो वी कैन राइट इज इक्वल टू 1 माइनस P0 P1 प्लस P2।
तो अब हम इन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.135। ये हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से, क्योंकि हर एक टर्म में ये वैल्यू आएगी, तो इसे हम 0.135 को बाहर लिख रहे हैं। अब 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसमें हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा और हम ये फर्स्ट रिलेशन जो है उससे आसानी से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। 1 माइनस 0.135, ये e^-2 की वैल्यू थी। 2 रेस टू 0 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1। 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो यहाँ पर केवल 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 1 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 1 प्लस 2 प्लस 2 मिल गया और इसकी वैल्यू फाइनली 0.323 आ जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी है मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर अ बैड रिएक्शन की। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है पी नन, यानी कोई भी बैड रिएक्शन ना हो। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी अगर 0 पर फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 0.135 इंटू 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.135, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 2 रेस टू 0 भी 1 होता है। तो यही इसका आंसर होगा। अब लास्ट है मोर देन 1 इंडिविजुअल, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 1 आर ग्रेटर देन 1 की, और ग्रेटर देन 1 के लिए हमें P2, P3, P4 एंड सो ऑन अप टू P2000 फाइंड आउट करना है, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस P0 प्लस P1। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भूलना नहीं है, और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन रखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव साइन में आएंगे, यहाँ दोनों जगह पर मिस्टेक होती है, तो आप इसको ध्यान रखें। और एक जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट इक्वेशन बना लें तो उससे आपको आसानी रहेगी हर बार वैल्यूज लिखने में, क्योंकि 0.135 हर बार कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ भी P0 P1 में से कॉमन आ गया, और 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल और 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 0.135 1, क्योंकि 2 रेस टू 0 वाली ये टर्म 1 हो गई, और यहाँ से 2, तो 1 प्लस 2, और इसका फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है 0.594। तो इस तरह से हम इजीली जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पॉइजन्स फॉर्मूला। आगे आने वाले वीडियोस में पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।